नमस्कार, हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के ब्लेंडर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं सौरभ तरकुंडे, आपका ब्लेंडर मेंटर। अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स पसंद आते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप मेरा नंबर पाओगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल्स देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अब तक हमने जान लिया है कि ब्लेंडर को किस तरह से कस्टमाइज़ करना है और यूज़र प्रेफरेंसेस के सारे सेक्शंस के बारे में हम जान चुके हैं। अब हम फिर से एक बार यूज़र प्रेफरेंसेस में जाएंगे और अभी ब्लेंडर के हॉटकीस के बारे में जान लेंगे। ब्लेंडर के हॉटकीस को कस्टमाइज़ करने के लिए यूज़र प्रेफरेंसेस में आपको इनपुट सेक्शन में जाना होगा। यहाँ पे आपको सारी हॉटकीस दिखाई देंगी। तो अभी यहाँ हमारे पास कैटेगरी के अनुसार हॉटकीस की सेटिंग मौजूद है। इनमें से मैं आपको कुछ हॉटकीज़ के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से इन्हें स्विच कर सकते हैं। तो अभी मुझे 3D व्यू को रोटेट करने की हॉटकी चेंज करनी है, जो बाय डिफ़ॉल्ट मिडल क्लिक और ड्रैग है। तो इसे चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले 3D व्यू सेक्शंस को ओपन करना होगा। अब मैं इस विंडो को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे आप इसे बराबर देख पाओगे, और हम यहाँ पर इसे फिर से क्लोज कर देंगे जिसे मैंने पहले ओपन करके रखा था। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 3D व्यू को ओपन करते ही 3D व्यू के रिलेटेड सारे सेक्शन उसमें मौजूद है, जैसे कि ग्लोबल 3D व्यू, ऑब्जेक्ट मोड, मैश, कर्व और आर्मेचर। तो अभी यहाँ हमें 3D व्यू को रोटेट करने के हॉटकी को चेंज करना है, जो कि 3D व्यू ग्लोबल में मौजूद है। तो एरो पे क्लिक करते ही हम इसे ओपन कर लेंगे। तो हम यहाँ पे अलग अलग सेटिंग्स देख सकते हैं और यहाँ पे हमें रोटेट व्यू की सेटिंग्स मिल चुकी है। हम इसे इनेबल और डिसेबल भी कर सकते हैं और यहाँ से हम इसे एक्स पे क्लिक कर रिमूव भी कर सकते हैं। इसे टॉगल डाउन करके जो कोड इसमें यूज हो रहा है उसका मेन पाथ हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये पाथ बेसिकली पाइथन पाथ है। आगे हमारे पास माउस बटन है और यहाँ पे अभी मिडल माउस बटन यूज हो रहा है, और यहाँ पे प्रेस, रिलीज, क्लिक और डबल क्लिक है, और यहाँ हमारे पास मेन की है, और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मॉडिफायर कीज भी है। अगर मुझे मिडल माउस बटन से लेफ़्ट माउस बटन पे स्विच करना है तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्लिक करना होगा और लेफ़्ट क्लिक कर ये इनेबल हो जाएगा। यहाँ से भी आप इसे स्विच कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट हम इसे मिडल माउस बटन पे ही रखेंगे और अब हम यहाँ पे मॉडिफायर कीज़ ऐड करेंगे, जैसे कि अल्टर। तो अब हम 3D व्यू में वापस जाएंगे। अभी यहाँ आप मिडल क्लिक से रोटेट नहीं कर सकते। अगर आप अल्टर प्लस मिडल क्लिक एंड ड्रैग करोगे तो ये रोटेट होगा। तो यहाँ हम ब्लेंडर में बहुत ही आसानी से हॉटकीज को स्विच कर सकते हैं। इसे हम अभी डिफ़ॉल्ट कर देंगे। आप इसे दूसरी तरीके से भी डिफ़ॉल्ट में रिसेट कर सकते हैं। यहाँ ऊपर आपको रिस्टोर ऑप्शन मिलेगा, ये ऑप्शन सारे हॉटकीज के ऊपर रहेगा, और रिस्टोर पे क्लिक कर आप इसे डिफ़ॉल्ट पे सेट कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग तरह के हॉटकीज मौजूद हैं। अभी हम 3D ग्लोबल व्यू को क्लोज करते हैं। अगर हम चाहें तो हम ऑब्जेक्ट मोड में भी हॉटकीज सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट मोड को देख सकते हैं, इसके बारे में हम आगे जान लेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक कर आप अपनी कस्टम हॉटकीज को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसे टॉगल डाउन कर आप इसका पाइथन पाथ यहाँ पे सेट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे माउस होल्ड करोगे तो यहाँ पे आपको इसके पाइथन पाथ की टूल टिप्स नजर आएंगी। इसका पाइथन पाथ है की मैप आइटम डॉट आईडी नेम। यहाँ पे हम अभी ज्वाइन का पाइथन पाथ देखेंगे, जिसका पाइथन पाथ है ऑब्जेक्ट डॉट ज्वाइन। यहाँ पे पाइथन पाथ पे पाइथन लैंग्वेज यूज़ हो रही है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसलिए हम इसे दूसरे तरीके से देखेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ स्मूथ शेडिंग यूज़ करेंगे। यहाँ टूल टिप में हम इसका पाइथन पाथ देख सकते हैं, जो है bpy ब्लेंडर पाइथन डॉट ops डॉट ऑब्जेक्ट डॉट शेड अंडरस्कोर स्मूथ। तो अब हम यहाँ पे यूज़र प्रेफरेंसेस में वापस जाएंगे और यहाँ पे हम ऐड न्यू में स्मूथ शेड का पाइथन पाथ डालेंगे, जो कि ऑब्जेक्ट डॉट शेड अंडरस्कोर स्मूथ। और यहाँ आगे हम इसके हॉट की सेट करेंगे। चलिए कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करते हैं, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट एस सेव के लिए है। यहाँ पे हम कंट्रोल अल्टर एस ट्राई करते हैं, सॉरी ये भी सेव फाइल के लिए है। चलिए यहाँ पे हम कुछ डिफरेंट हॉट कीज को ट्राई करेंगे, जैसे कि अल्टर शिफ्ट एस। तो यहाँ पे हमें एस टाइप कर यहाँ अल्टर और शिफ्ट को सिलेक्ट करना होगा। तो अब इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर अल्टर शिफ्ट एस प्रेस करेंगे, इसी के साथ इसकी शेड स्मूथ हो जाएगी। अपनी कस्टम हॉट की ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले उसका टूल पाथ जानना होगा। इसी के साथ उसकी की और मॉडिफायर की को सेट कर सकते हो,
और आखिर में सेव एज डिफॉल्ट पे क्लिक करना है। और ये हमें नहीं चाहिए तो हम डिलीट पे क्लिक कर इसे रिमूव कर सकते हैं। इस तरह से हम हॉटकीज को एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक आसान तरीका है जिससे हम ब्लेंडर में हॉटकीज ऐड कर सकते हैं। और जो मैंने अभी बताया आपको वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बट इससे आप ब्लेंडर में कुछ भी कर सकते हो। आपको जो हॉटकीज जिस पे सेट करनी है आप कर सकते हो। अगर आप कोई एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, इसके लिए मैं यहाँ पे आपको हॉटकी ऐड करने का शॉर्टकट बताऊँगा जो बहुत आसान है और फास्ट भी। तो यहाँ आप टूल पे राइट क्लिक कर हॉटकी को ऐड कर सकते हो। अभी हम स्मूथ शेडिंग में वापस जाएंगे। अभी हम फ्लैट शेडिंग पे हॉटकी को ऐड करेंगे। इसके लिए राइट क्लिक कर ऐड शॉर्टकट पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे हम अल्टर शिफ्ट एफ प्रेस करेंगे और इसी के साथ हम इसको स्मूथ शेडिंग में वापस लाएंगे। अल्ट शिफ्ट एफ प्रेस करते ही ये इसे फ्लैट शेडिंग में वापस लाएगा। तो अभी हम यहाँ पे 3D व्यू ग्लोबल के हॉटकी में नीचे जाके देखेंगे। स्मूथ और फ्लैट शेडिंग ऑब्जेक्ट मोड के नीचे रहेगा। तो यहाँ पे हम नीचे जाके देख सकते हैं कि हमारे पास फ्लैट शेडिंग की हॉटकी आ चुकी है। जिस तरह से हमने मैन्युअली किया इसी तरह से ये वर्क करता है और ये जल्द से जल्द एडिट भी हो जाता है। तो मैंने आपको यहाँ पे हॉटकी को मैन्युअली स्टेप बाय स्टेप ऐड करना सिखाया। मैंने आपको मैन्युअली इसलिए दिखाया क्योंकि कुछ टूल्स पे शॉर्टकट अप्लाई नहीं होता। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे कोई एक हॉटकी को ऐड करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए। इनमें से हम लिमिट सिलेक्शन को विजिबल या फिर ऑन और ऑफ के लिए अप्लाई करेंगे। राइट क्लिक कर आप यहाँ देख सकते हो कि इसके लिए हॉटकी नहीं है, मगर आप इसका यहाँ पे डेटा पाथ देख सकते हो जो है यूज ऑक्लूड जियोमेट्री। इसकी मदद से आप इसके लिए यूजर प्रेफरेंसेस में जाके मैन्युअली हॉटकी ऐड कर सकते हो। तो ब्लेंडर में आपको कुछ टूल्स के लिए शॉर्टकट मिल जाएंगे और कुछ टूल्स के लिए नहीं मिलेंगे। आप शॉर्टकट को ऐड के साथ रिमूव भी कर सकते हो, पर कभी कभी आपको टूल्स के लिए शॉर्टकट्स नहीं मिलेंगे। इसके लिए मैंने आपको दोनों तरीके दिखाए। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और इससे आप ब्लेंडर में कोई भी हॉटकी को ऐड कर सकते हो और ये अच्छी तरह से वर्क भी करता है। इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार से जान लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।